So, हमारे सामने है 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता क्या है, देखो। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both of radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to radii. Its radii. Find the volume of solid in term of pi. मतलब कि यहाँ पे एक हेमिस्फीयर शेप का नीचे एक है और ऊपर से उसमें मैंने एक कोन रख दिया है। हेमिस्फीयर विद बोथ ऑफ रेडियाई बीइंग इक्वल, और दोनों का जो रेडियाई है मतलब रेडियस वो कैसा है, इक्वल है। ठीक, दोनों का रेडियस इक्वल है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियाई, और जो हाइट है कोन की, ये रहा कोन। सो यहां से ये जो रेडियस है ये मेरा कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, और यहां से कोन की जो हाइट दिया है ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। अब पाई के टर्म में इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको दो शेप दिखाई दे रहे हैं और वॉल्यूम तभी फाइंड कर पाओगे जब सॉलिड हो, और यहाँ पे लिखा भी है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक, सो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, इन शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। सो यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था प्रैक्टिकली कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h होता है, और उसमें यदि मैं 3 टाइम वाटर फिल करता हूं सेम रेडियस और सेम हाइट के कोन से, तो वो 3 बार में फिलअप हो रहा था। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझा था। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h। और ये πr²h कैसे बना था ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यदि जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में है, वो वीडियो जरूर देखो। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी मैंने बताया है कि एक स्फेयर है और उस स्फेयर का वॉल्यूम जो था 4/3 πr³, ये आया था। ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और यहाँ से मैं इसको कट आउट कर दूँ, आधा कर दूँ, तो इसका वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, और हेमिस्फेयर क्या है, उसी का हाफ। सो 2/3 πr³। अब यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा। वैल्यू क्या है हमारी, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, एंड एच ऑफ कोन मतलब अपन को कोन की हाइट चाहिए। सो ये भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 1/3। सबसे पहले मेरा क्या काम है कि जितने भी यहाँ पे फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं उसको सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब छोटा से छोटा बना लेना उसको कॉमन लेके। सो 1/3 पाए, यहाँ से r² कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे r³ है, यहाँ से h कॉमन नहीं आएगा तो मैं h लिखे रहने देता हूँ। और 1/3 भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी 3 है डिनोमिनेटर में। ठीक है, 2 नहीं आया तो 2 यहाँ पे बच गया, और ये एक सिंगल r, बिकॉज एक स्क्वायर बाहर आ चुका है r, तो यहाँ से सिंगल बचेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वैल्यू रख दूंगा। सो रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट है 1 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे 2 × 1 सेंटीमीटर रेडियस अगेन। सो यहाँ से 1/3 पाए इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर ही स्क्वायर आएगा। सो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर बस लिख देता हूँ, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2 × 1 2, दैट विल गिव यू 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से 1 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर³। तो यहाँ से आ जाएगा π cm³। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे बस आपको फार्मूलाज अच्छे से ध्यान में रखना है, बिकॉज फार्मूलाज यदि आप भूल गए, कहीं का कहीं फार्मूला लगा दिए तो वहीं पे क्वेश्चन खराब हो जाना है। ठीक है।